आज भगवान शिव को साधने का दिन है। हर साल श्रावण माह की चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। कथा है कि भगवान शिव ने अमृत मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को अपने कंठ में रख लिया था। तब इसी विष की तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने उनका जल और पंचामृत से अभिषेक किया था। उसी के बाद भगवान शिव नीलकंठ हुए। इसी वजह से सावन के इस दिन का बड़ा महत्व है। शिव भक्त आश्रद्धा के साथ शिवरात्रि मना रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें उनके विशेष जो है उनकी कृपा प्राप्त होती है। आज शिवरात्रि पर 19 साल बाद शुभ संयोग बना है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, आज हर्ष योग भी है और आज ही वृज योग भी बन रहा है। ये संयोग अद्भुत है और इसीलिए आज सावन की शिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। आपके सामने ये 7 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि आस्था का सैलाब कैसे मंदिरों में उस वक्त उमड़ा हुआ है और ये तस्वीरें आपको इस बात की तस्दीक कराती हैं कि किस तरह से शिव भक्त जो हैं वो बम बम भोले के जयकारों के साथ शिवालयों पे जलाभिषेक कर रहे हैं। तो देखिए, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो प्रयागराज हो, बड़ी श्रद्धा से जो भक्त गंगा जल लेकर हरिद्वार से अपने अपने स्थान पर पहुंचे हैं, वहां के मंदिरों में वो जलाभिषेक कर रहे हैं और भोले को प्रसन्न करने की यहां कोशिश की जा रही है। तो हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर समेत तमाम शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। भारी संख्या में शिव भक्ति जलाभिषेक कर रहे हैं। तो दक्षेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों ने बेलपत्र धतूरा चढ़ाकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। भक्तों की लंबी कतार को देखते हुए गर्भगृह के बाहर ही पात्र लगा है जिससे जल चढ़ाकर भक्त आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें दक्षेश्वर मंदिर की आप देख सकते हैं, किस तरह से जो भक्त हैं वो सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगे हैं ताकि वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सके, उनका जलाभिषेक कर सके। और आज के दिन चारों तरफ सिर्फ एक ही गूंज, बम बम भोले जय शिव शंकर। शिव और शक्ति के मिलन का चिन्ह है ये। शिव मंदिर में गूंज रहा है शिव का नाम और 10:59 पर जो है जलाभिषेक यहाँ किया गया। सावन की शिवरात्रि पर ये महाकवरेज जो है लगातार हम आपको जेएनटी के माध्यम से दिखा रहे हैं। और अब ये दिल्ली से गौरी शंकर मंदिर की तस्वीरें देखिए, किस तरह से लोग जो हैं गंगा जल लेकर ये कांवड़िए जो हैं सुबह सुबह मंदिर में पहुंचे हैं, यहाँ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं और इतने दिनों की इनकी यात्रा जो है आज जाकर संपन्न हुई है जब इन्होंने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया है। तो दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की ये ताज़ा तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं, किस तरह से कांवड़िए जो हैं जो घाट से पानी लेकर आए हैं, पवित्र जल लेकर आए हैं हरिद्वार के हर की पैड़ी से, वो यहाँ भगवान शिव को अर्पण कर रहे हैं, उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। और दिल्ली के बाद अब आपको लेकर चलते हैं अयोध्या, जहां नागेश्वर मंदिर में जो है लोग पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं, हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, आज शिवरात्रि है तो हर कांवड़िए की सिर्फ यही मनोकामना है वो किसी तरह से शिवालयों में पहुंचे और वहां भगवान शिव का जलाभिषेक करे। देख सकते हैं किस तरह से भक्त जो हैं, कांवड़िए जो हैं और आम जनता भी जो है वो पहुंची है मंदिर में भगवान का जलाभिषेक करने के लिए। और पुलिस भी मुस्तैद है, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि ऐसी जगहों पर जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो सुरक्षा के इंतज़ाम भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं ताकि किसी को किसी भी तरह की कोई हानि ना पहुंचे क्योंकि भारी भीड़ है। चारों तरफ सिर्फ एक ही गूंज, बम बम भोले। और प्रयागराज में भी शिवालयों में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्राचीन मन कामेश्वर मंदिर में सावन की शिवरात्रि का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। भोलेनाथ के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं और बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं।
हर साल सावन के पावन महीने में शिवरात्रि के मौके पर मनकामेश्वर मंदिर में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और दर्शन पूजन करते हैं। तो ये देखिए मंदिर प्रांगण की तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं मनकामेश्वर मंदिर, जहां उनकी हर मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। और आज का दिन जो कि बेहद खास है, शिवरात्रि का पावन दिन है आज। भोले के भक्तों की ऐसी तस्वीरें झारखंड के रांची से भी आई हैं। रांची में पहाड़ी मंदिर में भक्तों का तांता लगा नजर आया। सुबह सवेरे शिव भक्त अपने आराध्य का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें रांची की, जहां पहाड़ी पर जो मंदिर है, जो शिवलिंग है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से जो भक्त हैं वो जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। और लगातार हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं, उन्हें बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। भांग धतूरा जो है भोले को बहुत पसंद है, उनको चढ़ाया जा रहा है। तो देख सकते हैं इन तस्वीरों से इस बात का कि श्रद्धालु जो हैं वो कितनी श्रद्धा से मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। और वहीं दिल्ली में माँ कालका का मंदिर में भी कांवड़िए जो हैं वो नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ कांवड़िए पहुंचे हैं। कालका मंदिर में भी शिवलिंग पर भक्तों ने जलाभिषेक किया। इस दौरान इलाके के कांवड़िए भी लगातार हरिद्वार से जल लेकर मंदिर पहुंचते नजर आए। कांवड़िए मंदिर में आते ही सीधा शिव जी को हरिद्वार से लाया हुआ जल चढ़ाते हैं। तो हमारे साथ हमारे तीन सहयोगी अलग अलग मंदिरों से जुड़े हैं। मनीष कावड़ पथ पर हैं और वो इस वक्त मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिल्पी सेन लखनऊ से हमारे साथ होंगी और इस वक्त जाने माने मनकामेश्वर मंदिर में होंगी हमारी सहयोगी मनीषा। इस वक्त दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी मनीष के पास। मनीष, मेरठ आप पहुंच चुके हैं, कांवड़ यात्रा पे आप हैं, तो भोले कैसा रहा आपका सफर? बिल्कुल, आप सभी को हर हर महादेव। और मैं खुद जल लेकर चला था हरिद्वार से, जीएनटी कांवड़ यात्रा कर रहा है जन कल्याण के लिए, और जल लेकर मैं अब मेरठ से निकल चुका हूं। लेकिन तस्वीर आज सुबह की थोड़ी बदल चुकी है। मैं आपको दिखाऊं कि ये दिल्ली मेरठ हाईवे है और इस पर आप देखिए जो कांवड़ियों की संख्या है अब बहुत कम हो गई है। डाक कांवड़ आपको बहुत कम दिखाई पड़ेंगे, इक्का दुक्का ऐसे ट्रक है जो दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं या बस पहुंचने वाले होंगे, मतलब ये हाईवे कम से कम वो क्रॉस कर चुके हैं। हालांकि अभी भी कुछ बाइक वाले हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं और सबकी कोशिश यही कि वक्त से अपने इलाके के या जिस भी शिव मंदिर में उन्होंने माना है वहां वो पहुंच जाएं। हमें भी गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर पहुंचना है, वहां जलाभिषेक करना है। आज जब तक हम जलाभिषेक नहीं कर लेते, हमने भी उपवास रखा है। तमाम भोले यहाँ हैं, कुछ जो बाइक से चले थे और वो फिलहाल यहाँ पर आराम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बोले आप नंगे पैर चले थे? हाँ बोले, नंगे पैर चले थे। जाएंगे आप? पहुंच जाएंगे बोले। कहाँ तक जाना है? दिल्ली तक बोले। अब तो यात्रा खत्म हो रही है, कैसा रहा अनुभव इस बार का? बहुत अच्छा रहा बोले। क्या मनोकामना रही है? वो तो मनोकामना जो है वो है। नंगे पैर आप गए थे, रास्ते में आप दौड़े भी होंगे, अभी पैरों की हालत कैसी? बहुत बुरा, लेकिन फिर अब ठीक है फिर पहले से। क्या नाम बोले आप? कमलेश। कहाँ तक जाना है? दिल्ली तक। दिल्ली तक पहुँच जाएंगे टाइम से? हाँ टाइम से पहुँच जाएंगे। कैसा रहा अनुभव इस बार का? बहुत बढ़िया रहा। जब हरिद्वार जा रहे होते हैं तो एक अलग भावना होती है कि वहाँ पहुँचना है, जल लेना है। आज शिवरात्रि का दिन है, आपका दिन है, आज वो भावना किस तरह से, आप उत्साहित है मंदिर पहुँचने के लिए? बहुत अच्छा उत्साहित हुआ है। कितना जल्दी हम मंदिर पहुँच के शिव जी पे जल चढ़ाए, तब मिलेगी संतुष्टि। और भी कई लोग हैं जो आराम कर रहे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, पर अच्छी बात यह है कि सब कॉन्फिडेंट हैं कि आज सब कम से कम टाइम से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। बोले क्या नाम है आपका? राहुल। कहाँ तक जाना है आप? दिल्ली। जल ले लिया है, लग रहा है बोले टाइम पे पहुंच जाएंगे। हाँ बिल्कुल पहुंच जाएंगे, हाईवे काट दिए।
तो ये देखिए ये कई सारे भोले हैं और जो बता रहे हैं सभी को इस बात की खुशी भी है कि वो वक्त पर पहुंच जाएंगे क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। लौटूंगे आपके पास, रुक करते हैं लखनऊ का जहां शिल्पी इस वक्त मौजूद है मनकामेश्वर मंदिर में। शिल्पी, हर हर महादेव, सबसे पहले आपको शिवरात्रि की बधाई। और मनकामेश्वर मंदिर में आप मौजूद हैं, मान्यता ये है कि मनकामेश्वर मंदिर में जो भी अपनी मनोकामना लेकर आता है वो पूर्ण जरूर होती है। हर हर महादेव, आपको और सभी दर्शकों को जीएनटी के बहुत शुभकामनाएं सावन की शिवरात्रि की। और वैसे तो देखिए महादेव करगण में है, लेकिन जो महादेव का प्रांगण है यानी देशभर में जहां शिवालय हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, जहां महादेव स्वयं विराजमान है, वहां किस तरह भक्तों का उत्साह है, किस तरह भक्तों का हुजूम है और किस तरह से भक्तों के मन में इस बात को लेकर के श्रद्धा और आस्था के साथ उल्लास भी है कि आज सावन की शिवरात्रि है, वो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। देखिए मनकामेश्वर मंदिर, आपने बिल्कुल सही कहा कि मनोकामना लोगों की पूर्ण होती है, लेकिन एक और बात जो इस मंदिर के बारे में है वो ये है कि राम के अनुज लक्ष्मण ने यहां पर सबसे पहले महादेव का ध्यान किया था, शिवलिंग की स्थापना की थी। और इसीलिए कहते हैं कि यहां पर जो भी आता है उनको सबसे पहले मन की शांति मिलती है। इसके पीछे एक मान्यता ये भी है कि जब सीता जी को लक्ष्मण वन में छोड़ करके जा रहे थे, अयोध्या लौट रहे थे, तो उनको बहुत ग्लानि हुई, उसके बाद इसी जगह पर बैठ करके उन्होंने महादेव का ध्यान किया। इसलिए तब से आज तक मान्यता यह है कि जो भी यहां आता है मन की मुराद तो पूरी होती है, मनोकामना तो पूर्ण होती है, लेकिन मन को शांति सबसे पहले मिलती है। श्रृंगार देखिए महादेव का किस तरह से पुष्पों से किया गया है और किस तरह से अलग अलग रंग की जो रोशनी में आपको मनकामेश्वर यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। और जो भक्तों के मन में उत्साह है वो तो है ही, क्योंकि वैसे देखिए शिव की बात करें तो डमरू की बात भी होती है, संगीत की बात भी होती है, नृत्य की बात भी होती है, आस्था की बात भी होती है, उल्लास की बात होती है, लेकिन सावन जो सबसे ज्यादा प्रिय महीना है महादेव का, उसमें भी हम देखते हैं कि भक्त पूरी तरह से भक्ति में लीन होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, कितना उत्साह है क्योंकि सावन की शिवरात्रि, आपको इस प्राचीन मंदिर में जलाभिषेक का मौका। मैं हमेशा आता हूँ, सावन में पर्डे आता रहता हूँ और काफी, मैं 15 साल से तो मैं परमानेंट आता हूँ। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो आप तो 15 साल से आते हैं, महादेव ने बहुत मांगा वो मुझे मिला, जो भी मांगा वो मिला। हर हर बम बम बोले, बम बम बोले। ये बताइए कि महादेव के लिए आज का दिन तो बहुत विशेष दिन है, उनके भक्तों के लिए भी विशेष दिन है, तो आज के दिन के लिए क्या व्रत है आपका? कुछ लोग व्रत भी रखते हैं या यहाँ दर्शन करने आए? दर्शन करने आए हैं, काफी समय से मैं 2001 से बाबा के दर्शन कर रहा हूँ। सावन में रोज सुबह दर्शन करता हूँ और जो मनोकामना भक्त आते हैं, दिल से पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। प्राचीन मंदिर है, लखनऊ का लगभग सबसे पुराना मंदिर है और भोलेनाथ की। कुछ लोग आसपास के लोग तो लगातार आते हैं, आप भी बताइए, सुबह सुबह आ गई हैं बाबा के दर्शन करने। बाबा आज को सावन चल रहा है तो भगवान जी के दर्शन मिल जाए, उनकी इच्छा से ही मिलते हैं, तो बिल्कुल उनकी इच्छा से, जी उनकी इच्छा से ही मिलते हैं, वरना तो आज रुद्राभिषेक का, जलाभिषेक का, दुग्धाभिषेक का आज अवसर है। और यहाँ पर जो गर्भगृह है देखिए, उसके बाहर किस तरह से लोग खड़े हैं अपने मनोकामना ले करके, लेकिन कहने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि महादेव सबके मन की बात जान लेते हैं। और इस प्रांगण में आकर के कुछ देर लोग ठहरते हैं, आज यहाँ पर कुछ देर लोग ठहर करके अपनी बात बाबा से कह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आज बहुत ही विशेष अवसर, विशेष दिन है सावन के इस पवित्र महीने में, जिस महीने के बारे में कहा जाता है कि महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है। और उनके सभी रूप देखिए सावन में दिखाई पड़ते हैं, अगर आप देखें तो चाहे गीत संगीत हो क्योंकि या फिर जो महादेव के जो वनस्पति या उनसे जुड़े हुए रूप हो, क्योंकि महादेव के सभी रूप हैं, तो यहाँ लोग आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल शिल्पी, आज का दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण है और सावन का महीना क्योंकि बाबा को बहुत पसंद था, तो सावन के महीने में हमें हर रंग देखने को भी मिलते हैं। और बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई मनकामेश्वर में गर्भगृह के, आपने सुबह सुबह हमें भी और हमारे व्यूअर्स को भी दर्शन करवाए। लौटूंगे आपके पास और अब बढ़ते हैं आगे, दिल्ली पहुंचते हैं और जहां हमारी सहयोगी मनीषा इस वक्त मौजूद है। गौरीशंकर मंदिर में शिव हैं तो शक्ति हैं, और गौरीशंकर मंदिर में इस वक्त मनीषा आप हैं, तो वहां की तस्वीरें भी जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। कितने लोग हैं जो इस वक्त दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं, कांवड़िए भी होंगे जो जलाभिषेक के लिए वहां पहुंचे होंगे। सब
सबसे पहले तो हर हर महादेव गीतिका, और आपको और अभी हमारे सारे के सारे जीएनटी के दर्शकों को सावन शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है गौरीशंकर मंदिर में, और सही कहा, कांवड़ आज के दिन जो कांवड़ यात्रा थी वो वाकई में लोगों की जो कांवड़िए थे उनकी पूरी हुई है। और आपको मैं सीधा नजारा जो है वो अंदर शिवालय का दिखाऊंगी कि किस तरीके की भीड़ जो है यहाँ पे कांवड़ियों की लगी हुई है अपने परिवार के साथ शिवालय पे भगवान भोले के, जो यहाँ पे मत्र आए हैं और यहाँ पे जाकर जल अभिषेक किया जा रहा है। सुबह से इस तरीके की जो भीड़ है गीतिका वो लगातार इसी तरीके से बनी हुई, और आप देख सकते हैं किस तरीके का जो हुजूम है कांवड़ियों का यहाँ पे भगवान भोले के दर्शन पाने के लिए। जो पवित्र जल जो गंगोत्री से हरिद्वार से जगह जगह जो पवित्र स्नान की जो जल लाए गए है यहाँ पे कलश में लेकर अपने साथ, जो यात्रा उनकी निकाली थी वो यात्रा के लिए देखिए आप किस तरीके से सिर्फ एक वो जल चढ़ाने के लिए यहाँ पे भक्तों की कांवड़ियों के उनके पूरे परिवार की जो है लगातार भीड़ इसी तरीके से बनी हुई है। बहुत से यहाँ पे भक्त हैं जो अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन कांवड़ियों का दिन है, भगवान भोले का दिन है, और उनको जल चढ़ाना जो मतलब कहते हैं ना भगवान के पवित्र स्थान से जल लाना, और सिर्फ इसी दिन के लिए कि भोले के जो जल अभिषेक का दिन होता है उस दिन जाकर जो है जल जो है भगवान शिवलिंग पर अर्पित किया जा सके, तो वो वक्त आज आ गया और उन्हीं की सबसे ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ भोले भी मौजूद है, हम भोले से भी बात करेंगे कि किस तरीके की यात्रा रही है आपकी, कितना इस पल का इंतजार था। इंतजार था बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे, हरिद्वार से चल लेके आए या शिवलिंग पर चढ़ाए। पैदल यात्रा करी आपने एकदम? पैदल यात्रा करी है, दबा के करी। यही आपके आसपास यही शिवालय है या आप जाते हैं? नहीं, सिर्फ यही है। कितने सालों से? बहुत साल है, 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए आपको तो, 20 कहते हैं इस मंदिर की बहुत मान्यता है, तो 20-25 सालों में भगवान भोले ने आपकी पुकार तो जरूर सुनी होगी। सुनी है। तो लोगों की मान्यता यहाँ पे सभी की सब लगातार जो है अपने कार्य में जुटे हुए, और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोगों का कांवड़ियों का हुजूम है। देखो मैं पीछे की तरफ की अगर तस्वीरें दिखाऊं तो ये वो है अभी जो अपनी बारी का जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और कब वो भगवान भोले के जो हमारे कैलाशपति की जो एक झलक पाने के लिए जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब उनकी झलक उनको दिखेगी और कब जाके वो भगवान भोले पर जो है जल अर्पित करेंगे। यहाँ पे इसी तरीके की जो भीड़ है ना, और इस मंदिर की ना खास मान्यता है गीतिका कि यहाँ पे महादेव को मनाने के लिए ना महाजतन नहीं करने पड़ते, केवल सिर्फ एक जल लोटा का या दूध का जो है आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान भोले बस अपने भक्तों की हर एक मनोकामना पूरी करते। और ये भी कहा जाता है कि आज के दिन जो है आज के दिन भगवान भोले ने जो है शिवरात्रि के दिन इस दिन जो है शिवलिंग के रूप में जो है वो प्रकट हुए थे, तभी आज उनको उनके जन्मदिन के रूप में भी जो है ये दिन मनाया जाता है। तो आज जितनी भी शिव भक्त का कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ पे? कई साल से आ रहा हूँ बेटा, कई साल से। हाँ, भगवान भोले ने सुनी आपकी पुकार? बिल्कुल बिल्कुल, सबकी सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते, भगवान भोले ना सबकी सुनते हैं। तो भगवान भोले जो है महादेव जो है वो सबकी पुकार सुनते हैं, और गीतिका आप देख सकते हैं किस तरीके का जो हुजूम है, मतलब हम यहाँ खड़े भी नहीं हो पा रहे, और ये सिर्फ एक गौरीशंकर मंदिर जो है शिवालय जो है सिर्फ वो यहाँ का हाल नहीं, यहाँ पे हर एक शिवालय का जो हाल है वो इसी तरीके से नजर आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, भोले बाबा को मनाना बेहद आसान होता है, और शायद इसीलिए उनका नाम भोले है, क्योंकि वो बिना बात मतलब कोई आपकी मनोकामना हो, किसी तरह का आपको दुख हो, कष्ट हो, भोले बाबा जो है उसे मिनटों में दूर कर देते हैं। इसीलिए वो काल हैं, महाकाल हैं, और सृष्टि के रचयिता भी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगे आपके पास। सावन के मौके पर कांवड़ मार्ग में अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं, दिल्ली से हरिद्वार तक कांवड़ मार्ग पर कांवड़िए कुछ ना कुछ ऐसा खास करते हुए मिल रहे हैं ताकि वो भोलेनाथ को प्रसन्न कर सके। वहीं रास्ते में उन्हें लोगों और पुलिस का सहयोग भी खूब मिल रहा है। कांवड़ियों के पैरों पर आए छालों में खुद पुलिस अधिकारी ट्यूब लगा रहे हैं। पैदल चल रहे कांवड़ियों का दर्द कुछ कम करने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल हो रहा है। ये तस्वीरें यूपी के हापुड़ की हैं, जहां पुलिस का ये अलग रूप देखने को मिल रहा है। हाफिजपुर थाने के प्रभारी आशीष पुंडीर और उनकी टीम खुद कांवड़ियों की सेवा में जुटी है। मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर कांवड़ियों की सेवा के लिए ये पुलिस कैंप लगाया गया है।
पुलिस कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए है, साथ ही इस तरह से सेवा भी कर रही है। ऐसे में पुलिस का ये अलग रूप देख कांवड़िए भी काफी खुश हैं। कांवड़ मार्ग पर ही दिल्ली के धौलाकुआ के पास ये अलग रंग भी देखने को मिला, जहां 151 फीट लंबा तिरंगा नजर आया। असल में इन्होंने कांवड़ यात्रा के साथ तिरंगा यात्रा भी निकाली। यानी सावन के महीने में आस्था और देशभक्ति दोनों ही देखने को मिल रही हैं। ये टोली हरिद्वार से 250 किलोमीटर पैदल चलकर 6 दिनों में दिल्ली पहुंची है। इस तिरंगा टोली में 26 कांवड़िए शामिल हैं, जो भगवान भोले का रथ और तिरंगा यात्रा लेकर निकले हैं। इस कांवड़ टोली ने बताया कि उसे रास्ते में कई जगह ट्रॉफी और दूसरे पुरस्कार भी दिए गए। जी, हमने सारे फौजी भाइयों को, फार्मर्स को और सभी देशवासियों को समर्पित करने के लिए निकाला है। और जैसे अभी कारगिल का विजय दिवस हुआ था हमारा, तो उसके समर्पण में, और सबसे बड़ी बात भोले शंकर के समर्पण में प्रशासन बहुत साथ दिया। और मतलब जैसे हम जा रहे थे तो रोड के इधर से वो स्पीकर में बोलते थे कि बोले रुको, बोले रुको, तो फिर रुकते थे, फिर वो कूद के आते थे, राइडर फिर ट्रॉफी देते थे, सर्टिफिकेट देते थे, लोगों ने सम्मानित किया। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। जाहिर है सावन का ये महीना वाकई अद्भुत है। भोले की भक्ति में उनके भक्त उन्हें प्रसन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ हर रंग हर रूप देखने को मिल रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, भोले के भक्तों के लिए उनके इष्ट भोलेनाथ ही सब कुछ जो है। हापुड़ से देवेंद्र शर्मा और दिल्ली से अमरदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन में आज का दिन शिवजी को बेहद प्रिय है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ से हर मनोकामना पूरी होती है और शिवालयों में शिव भक्त आज के दिन श्रद्धा के साथ शिवरात्रि मना रहे हैं। शिवरात्रि पर हम आपको देश भर से आई शिव भक्तों की ताजा तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें उनके विशेष जो है उनकी कृपा प्राप्त होती है। आज शिवरात्रि पर 19 साल बाद शुभ संयोग बना है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, आज हर्ष योग भी है और आज ही व्रज योग भी बन रहा है। ये संयोग अद्भुत है और इसीलिए आज सावन की शिवरात्रि का महत्व कई गुना बढ़ गया है। आ गई है मंगल बेला। सावन में शिवरात्रि की ये वो शुभ घड़ी है जो शिव साधकों के तमाम मनोरथ सिद्ध करेगी। यही वजह है कि देश भर के मंदिरों में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम उमड़ा है। महादेव को प्रसन्न करने की ये वो अमृत बेला है जिसका तमाम शिव भक्तों को इंतजार था। हिंदू पंचांग के अनुसार यूं तो हर मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है, लेकिन सावन में ये दिन बेहद शुभ माना जाता है। 19 साल बाद वज्र योग, हर्ष योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि ये दुर्लभ योग अति फलदायी है, जिसने इस पावन घड़ी में अविनाशी को प्रसन्न कर लिया, महादेव उसके तमाम दुख हर लेंगे। इस दिन लोग कांवर में जल भरकर लाते हैं, दूर दूर से पवित्र नदियों से जल भर करके लाते हैं और पवित्र शिवलिंगों पर या जो शिवलिंग उनके घर के आसपास है उस पर जल अर्पित करते हैं। वैसे तो सुबह से ही देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन पंचांग के अनुसार अभी अमृत काल चल रहा है जो कि सुबह 9:02 पर शुरू हुआ है और 10:45 तक रहेगा। इस दौरान शिव पूजन और जलाभिषेक बेहद फलदायी है। भारतीय धर्म शास्त्रों में शिवरात्रि की विशेष महिमा बताई गई है। माना जाता है कि इस दिन देवों के देव का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा शिव जी का विवाह भी इसी दिन माना जाता है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। शिवरात्रि पर महादेव की उपासना से
व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख मिल सकता है। शिवरात्रि पर व्रत उपवास रखना, मंत्र जप करना और रात्रि जागरण करना, रात में जग करके भगवान शिव की पूजा उपासना, साधना तपस्या करना बहुत बेहतर होता है। धरती पर शिवलिंग को शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है। यही वजह है कि शिवलिंग के दर्शन को स्वयं महादेव का दर्शन माना जाता है और इसी मान्यता के चलते भक्त शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव ने इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान विष का पान किया था। भगवान शिव ने ये विष पान सावन के मास में किया था, तब सभी देवी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था जिससे उनके शरीर से विष का प्रभाव कम हो गया था। मान्यता है कि सावन में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन भोले बाबा पर जल अर्पित करने से निरोग रहने के साथ ही सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। ऐसे में आज देश भर में भोले की भक्ति की अद्भुत तस्वीर दिखाई पड़ रही है। गली गली शहर शहर बम बम भोले का जय घोष है। पवित्र गंगा घाटों से जल लेकर महादेव के भक्त मीलों कठिन यात्रा कर अपने आराध्य को अर्पित कर रहे हैं और सावन की शिवरात्रि पर महादेव का शुभाशीष ले रहे हैं। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सावन की शिवरात्रि का एक अलग महत्व होता है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है और आज शिवरात्रि पर 19 साल बाद शुभ संयोग भी बना हुआ है। तो हमारे तमाम सहयोगी हमसे जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ मनीषा हैं, मेरठ से हमारे साथ मनीष हैं और लखनऊ से हमारे साथ शिल्पी सेन जो है वो लगातार बनी हुई है। सबसे पहले रुख करना चाहूंगी मनीषा का। मनीषा, आज के दिन जो है वो 19 साल बाद ऐसा हुआ है कि दुर्लभ संयोग आज बना है। आपके साथ वहां पंडित जी भी मौजूद हैं, उनसे जानिए कि कौन सा ये संयोग है आज के दिन जो है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, हर्ष योग भी है और आज ही वृज योग भी जो है वो बना हुआ है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त गीतिका पंडित तेज प्रकाश जी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी मैं ये जानना चाहूंगी, आज एक तो सबसे पहले तो हर हर महादेव, बम बम, आज के दिन क्या कुछ शुभ संयोग जो है वो बन रहे? ओम नमः शिवाय। बहुत दूर दूर से, दुर्गम पहाड़ों से, सबको विघ्न धूप से, ताप से, ओलों से, पैरों के छालों से, सब चीजों से पार करता हुआ कांवड़िया नहीं आ सकता जब तक कि भगवान शंकर की कृपा ना हो। भगवान शंकर की जिस पर कृपा हो गई वो ही कांवड़ चढ़ाता है। इसमें दो बात होती है, गंगा मैया जो बाबा की जटाओं में थी, पृथ्वी का भार सहने के लिए, भक्तों के दुख दूर करने के लिए भागीरथ लेके आया मृत्यु लोक में, लेकिन यहाँ उसकी बड़ी हालत खराब है तो वो तड़प रही थी। इतनी पवित्र गंगा मैया जिसका नाम मात्र लेने से आदमी तर जाता है, ऐसी गंगा दुनिया भर की गंदगी ये भर दिया। वो उसने भगवान से प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ मेरा भी उद्धार करो। तो भगवान शिव, आपको जानकारी नहीं है, श्रावण मास में कैलाश पर्वत छोड़ देते हैं और कांवड़िया बन के कांवड़ियों में मिल जाते हैं। यही कारण है आप चारों तरफ देखिए एकदम भगवा वस्त्र, वही शंकर का स्वरूप, बड़ी बड़ी कतारों में बम बम का नारा लगाते हुए साधारण जीव जो बिल्कुल साधारण होता है वो भी एक बड़े जोश से भर कर भगवान शंकर का नारा लगाते हुए भगवान का रूप बनाकर कांवड़िया देखिए रुद्राक्ष भी धारण करेंगे और वही गेरुआ वस्त्र पालन करेंगे। उसके बावजूद भी उनकी एक आदत है कि जब तक एक तो गंगा मैया कंधे पे, दूसरा भोले बाबा के द्वार पे जा रहे हैं तो गंगा मैया कहती है मुझे बुला, जल्दी से मिला दे बाबा से। बिल्कुल आपने सही कहा पंडित जी। अगर मैं मुहूर्त की बात करूं, शुभ संयोग की बात करूं, तो बहुत सारे आज के दिन बन रहे हैं, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सबसे बड़ा मुहूर्त यह है कि आपको बाबा ने बुलाया, जिस टाइम कांवड़ उठाओ उस टाइम ये सोचो कि हमारे सौभाग्य हो गए, हमारे को बाबा ने बुलाया। केवल जिसको बाबा बुलाते हैं वही कांवड़ उठाते हैं।
और रही मुहूर्त की, आप 400 किलोमीटर से 200 किलोमीटर से पैरों में छाले लेके चले आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बाबा स्वीकार नहीं करते, कोई मुहूर्त नहीं है, जब भी लाओ जब भी मिलन करा दो, बाबा और मैया का मिलन है, इसलिए वो लाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। क्योंकि शिवरात्रि है, भगवान भोले की रात्रि पूजा की जाती है और दो दिन शिवरात्रि मानी जा रही है, आज और कल, तो कहे जा रहा है कि आज रात के 9 बजे तक भी है और फिर सुबह वापस से, ये केवल दज्ञानुसी बात है, भगवान शंकर आपको बुलाए। सुनिए, जिस समय हमारे घर में पुत्र रत्न पैदा हो जाता है कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, खुशियां मनाते हैं, अरे उस टाइम देखो ना कितनी घड़ी कितने पल पे ही आया है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही भगवान शंकर की जब कृपा होती है सारे बुरे मुहूर्त भी अच्छे बन जाते हैं, तो भगवान शंकर को मनाओ, सदा सुख पाओ। यहाँ हम गौरी शंकर मंदिर में देख रहे हैं आप, रात को 1:30 बजे मंदिर खुला हुआ है। बिल्कुल मनीषा, बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कही, भगवान शिव को मनाओ और गौरी शंकर गाओ। तो आज का दिन जो है वो इसलिए खास भी है क्योंकि आज का दिन जो है भोले बाबा को समर्पित है। तो मैं रुक करना चाहूंगी शिल्पी का, शिल्पी आज भोले बाबा का प्राकट्य दिवस भी इसको बनाया जाता है और साथ ही साथ शिव और पार्वती की शादी जो है मान्यता है कि वो आज ही के दिन हुई थी, तो ये जो दिन है ये बेहद खास है, एक तो भोले बाबा का प्राकट्य दिवस और ऊपर से भोले बाबा और मां शक्ति का जो है आज विवाह भी हुआ था, तो अपने आप में ये दिन बेहद खास हो जाता है। सारे मुहूर्त जो है मुझे लगता है कोई घंटे नहीं गिनता है क्योंकि ये अपने आप में खास दिन है। देखिए बिल्कुल, वैसे तो श्रावण माह जो होता है वो महादेव को इतना प्रिय है कि उसमें ही कोई दिन कोई घंटे नहीं गिनता है और ऐसा माना जाता है कि हर एक दिन पवित्र होता है। जैसा अभी पंडित जी बता ही रहे थे कि वो लोग भी सौभाग्य महसूस करते हैं जो किसी भी समय यहाँ आने का जिनको अवसर मिलता है, लेकिन आज का दिन तो उस पर विशेष इसलिए है, सोने पे सुहागा इसलिए है क्योंकि आज का दिन महादेव को ज्यादा महादेव का प्रिय और महादेव का जो आज के दिन का महत्व है महादेव को लेकर के जैसा आपने बताया वो भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए महादेव अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं, चाहे गौरी शंकर हो या भोले शंकर हो या फिर नटराज हो या वैद्यनाथ हो या हम कह सकते हैं कि भोले उनको कहते हैं हम लोग, लेकिन अगर देखा जाए तो रहस्यमयी अघोरी भी हैं। जिस तरह से मन से आप कल्पना करेंगे, मन से आप महादेव को शिव को आप ध्यान करेंगे वो उसी रूप में होंगे, लेकिन इस बीच आप दृश्य जरूर देखिए कि किस तरह से मनकामेश्वर महादेव मंदिर का ये जो आर्किटेक्चर है, क्योंकि रामायण कालीन जो मान्यता है इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए ये मंदिर और बेहद खास हो जाता है क्योंकि राम की जब हम बात करते हैं उत्तर भारत में तो सब कुछ महादेव और राम में समाहित हो जाता है। ये मंदिर अपने आप में बेहद विशेष, हम देख रहे हैं कि आप ये देखिए आज जी है ना महीने की मासिक शिवरात्रि, इसलिए हम लोग तेलीबाग से इधर आए हैं। तेलीबाग तो बहुत दूर है, लखनऊ के लोग जानते हैं इस बात को, वहां से ये यहाँ पर जल बबीता इधर देख ले, हाँ ये बहू आई इसको लेके आए हैं थोड़ा। अच्छा ये बताइए आप भी पहली बार आई हैं कि आज? नहीं मैं सेकंड टाइम आई हूँ यहाँ। सेकंड टाइम आई इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो भी मन से मांगो वो मिलता है, तो आप पहली बार आई थी तो आपने? मैं मांगने के लिए नहीं आती मंदिर, बस वैसे ही थैंक यू बोलने के लिए आती हूँ, लेने के लिए। पूरा देश हमारा सही से रहे, सब कुछ अच्छा चले। देखिए जो शिव भक्त हैं उनके मन में किस तरह से सबके कल्याण की भावना है कि पूरा देश एक साथ रहे और सब अच्छे से रहे, इसके लिए अच्छा ये बताइए आज के दिन तो लोग घर में कुछ लोग व्रत भी करते हैं और पूरे सावन माह में कुछ विशेष नियमों का पालन भी करते हैं, तो आप लोग भी ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो होता है वो सब हम करते हैं नियम, मंदिर जाते हैं शिव जी की पूजा करते हैं अपने घर पे भी वहाँ भी। अच्छा ये हम देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर पूजा करके जा रहे हैं, ये बताइए कि आज इतने पवित्र दिन पर आप इस मंदिर आ पाई, बहुत प्राचीन मंदिर है, कितना सौभाग्य में? बहुत ज्यादा ही सौभाग्यवती हूँ मैं, इसलिए क्योंकि इतने दिन बाद मैं मंदिर आई हूँ, एक साल अब एक साल तो हो ही गया हमको, एक साल बाद आई है इसलिए। अच्छा ये जो सावन के आते हैं हम ना, तो आज तो सावन की शिवरात्रि है विशेष। हाँ हाँ इसीलिए विशेष दिन डाले, दिन हमको भगवान ने इसीलिए तो बुला लिया, आज आने का मन में एक बात देखिए हमें है कि टोकरी भी दिख रही है जो भगवान को अर्पित लोग करने वाले हैं। आज मान्यता है कि दूध से भी भगवान का अभिषेक किया जाता है, जल से भी किया जाता है, लेकिन हम आपके पास देख रहे हैं जो भक्तों ने टोकरियां ली हैं उसमें काफी कुछ सामान है, जरा उसे भी दिखाइए हमारे दर्शकों को।
बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप ये देखें, देखिए महादेव को जो अर्पित किया जाता है उसमें दूध और जल तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ बेलपत्र जो सबसे ज्यादा महादेव को प्रिय है, और वनस्पतियों के वैसे तो देवता है, देखिए पहला वैद्य भी उनको कहा जाता है, वैद्यनाथ भी कहा जाता है, और प्रकृति में जो भी चीजें हैं हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए धतूरा है, बेलपत्र है, जो पुष्प है, शमी पत्र है, देखिए बहुत ही पवित्र माना जाता है, महादेव को अर्पित किया जाता है। ये सारी चीजें आप सजा कर लाई हैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए। जी, क्या लग रहा है कि महादेव बिल्कुल सबको एक तरह से कल्याण सबका करेंगे, मन की परिवार की यही मनोकामना लेकर कि सब कल्याण हो सबका? बिल्कुल यही मनोकामना लेकर के, क्योंकि मन कामेश्वर है तो यही मनोकामना लेकर के, तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति में जो जो चीजें हैं देखिए वो महादेव को अर्पित की जाती हैं, और इसलिए जो आप दूसरी जगह देखती होंगी, दूसरे जो देवताओं के मंदिर हैं वहां पर मिष्ठान और जो पुष्प हैं वो होते हैं, लेकिन यहाँ पर महादेव अगर देखें आप, महादेव ही ऐसे हैं जिनको कई तरह की वनस्पतियों का भी उनको अर्पित की जाती है। महादेव का वो रूप दरअसल प्रकृति संरक्षण का भी रूप है कि सब चीजों को हम लोगों को लेकर के चलना चाहिए और सब चीजें हम लोगों को भी संरक्षित करती है। बिल्कुल शिल्पी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही, महादेव का जो रूप है पर्यावरण को साफ रखने का, सावन के महीने में हर रंग जो है हमें सिर्फ हरा दिखाई देता है, चाहे वनस्पति हो चाहे औरतें जो हैं हरे रंग से श्रृंगार करें, चाहे वो साड़ी पहने चूड़ियां पहने, तो सावन का महीना अपने आप में खास हो जाता है क्योंकि ये प्रकृति से हमें जोड़ता है। और धन्यवाद आपका भी और धन्यवाद मनीषा का भी ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमें सुबह सुबह मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए। महाकवरेज लगातार जारी रहेगी जीएनटी पर, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पे लगातार, और यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।